नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये तो ऐसे खा ही सकते हो, व्रत में भी खा सकते हो इसको। शकरकंद जो होता है ना, मेरे यहाँ कंद बोलते हैं, कहीं कहीं इसको शकरकंद भी बोला जाता है। ये ज़्यादातर तो हम जैसे शहरों में रहते हैं, ये भुना हुआ जो चूल्हे का भुना हुआ जो रहता है ना टेस्ट, वो उबले हुए शकरकंद में नहीं होता है। उसको पानी डालकर आलू की तरह बॉईल कर देते हैं ना, उसका आधे से ज़्यादा टेस्ट ना उस पानी के साथ निकल जाता है। वो फेंकना बेस्वाद, स्वादलेस जो है, टेस्टलेस हमें खाना पड़ता है, पता है। आज मैं आप लोगों के साथ यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप कहीं पे भी रहें, प्रॉपर जैसे चूल्हे वाला सोनापन तो नहीं आएगा, वो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन पूरा का पूरा टेस्ट आप ले पाओगे इस विधि से, अगर मैं उसको कुक करोगे। बेक करना ही होगा, ओवन तो देखो सबके पास तो होता नहीं है, ओवन में तो बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन कुकर तो सबके पास होता है ना, उसमें उसी में हम उसको बेक करेंगे। इतने पूरा का पूरा आपको टेस्ट मिलेगा, कुछ भी उसका टेस्ट निकलेगा नहीं पानी के साथ, क्योंकि पानी उसमें पड़ेगा ही नहीं। कुकर में किस विधि से उसको पकाया जाएगा वो बहुत आसान है और अच्छा भी लगेगा आपको। और एक बार जब बनाएंगे ना तो बार बार उस चीज़ को आप बॉईल करना भूल जाएंगे, इसी तरह से बेक करके आप कुकर में बनाकर खाएंगे। चलो हम शुरू करते बनाना। यहाँ पे चार स्वीट पोटैटोज ले लिया है मैंने, जिसको कंद, कंदा, गंजी बड़े सारे नाम से ये जाना जाता है। एक चीज़ पे ध्यान देना, कुकर में हम बेक करने जा रहे हैं, एक साथ में जितना भी रखना कंद वो साइज़ सेम ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इस तरह का सब ले लिया है ताकि बेकिंग टाइम सेम ही हो। हमें मतलब जैसे छोटा बड़ा मोटा पतला ऐसे डाल देंगे ना, तो जो पतले वाले रहेंगे छोटे साइज़ के वो जल्दी कुक हो जाएंगे, जो एकदम बड़ा रहेगा वो टाइम लगेगा कुक होने में। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, एक साथ में जितना रखना, अगर मैं जल्दी करना है तो थोड़ा छोटे साइज़ में लेंगे तो वो थोड़ा फास्ट होगा। ये मैंने बढ़िया वॉश करके किचन टॉवल से वाइप कर लिया है। ये चार हो गया, इसको हम रख देते हैं साइड में। ले लिया मैंने कुकर, कुकर में हम डालेंगे घी या तेल, कुछ भी आप डाल सकते हो। जैसे फास्ट के लिए बना रहे हो आप, तो आप कुछ भी ऐसे ना डाल देना, जैसे घी या जो तेल आप यूज़ करते हो फास्ट में, मतलब उपवास में, वही यूज़ करना। घी चारों तरफ से हम इसमें ग्रीस कर देंगे। घी 1/4 टीस्पून लिया था। अब हम कंद को प्लेस कर देंगे। इतना ध्यान रखना ताकि सारा जितना भी कंद एक साथ में डाल रहे हो बॉटम को टच करके हो, तभी ये अच्छे से कुक होगा। डाल दिया, ये देखो इस तरह से। अब क्या करना है, हमें ले लेना है किचन टॉवल, मोटा सा, एकदम थिक सा, हाँ ये, और इसको पानी से एकदम भिगा करके इतना निचोड़ा है जितने में पानी का ड्रॉप्स जो है वो निकल जाना चाहिए। एकदम स्क्वीज़ करके, एकदम इसको ड्राई मत कर देना, इसमें पानी होना चाहिए और थोड़ा मोटा सा होना चाहिए। तो मैं एक ही टॉवल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत मोटा टॉवल है। अगर पतले पतले टॉवल हो ना तो आप 2-3-4 भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, कुकर में पूरी तरह से इसको कवर कर देना है कंद को, चारों तरफ से हमने। कवर कर दिया है, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, इसका सीधा हम लिड लगा देंगे। सीटी भी लगा देंगे। कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है, 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा कुकर गरम कर देंगे, क्योंकि एकदम कोल्ड है ना कुकर, हाई फ्लेम पे थोड़ा जल्दी ये गरम हो जाएगा। 2 मिनट के बाद इसको हम एकदम मीडियम लो फ्लेम पे 20-25 मिनट्स तक हम बेक करेंगे सीटी के साथ। मतलब ये मत सोचना कि ये ब्लास्ट हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें हमने एकदम भीगा हुआ
ये डाला, किचन टॉवल डाला है ना, तो उसका टेंशन आप मत लेना। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको बिल्कुल कम्प्लीटली, ये ठंडा हो जाएगा कुकर, ओपन करके हम चेक कर लेंगे। अगर में कुक नहीं हुआ रहेगा तो हम फिर से बेक कर सकते हैं। कुकर कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। एकदम गर्म है, वाह, सिक करके एकदम फट गया है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया था, 30 मिनट तक कर दिया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कुक हो गया है। ये देखो, निकाल लेते हैं हम पहले प्लेट में। जल रहा है, एकदम खुशबू जो आ रहा है ना, एकदम सोना सोना वाला आ रहा है। और कुकर भी देख सकते हो, बिल्कुल भी जला नहीं है, गर्म है। कुकर एकदम क्लीन निकला है और हमारा कंद जो है कितना अपने आप छिल गया है, क्योंकि ओवर कुक कर दिया मैंने ना। 25 मिनट इसके लिए एकदम परफेक्ट था, मैंने सोचा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुक कर देते हैं तो बिल्कुल भी चांस ना लें। लेकिन आप ऐसा मत करना मेरी तरह, ठीक है, 25 मिनट में एक बार चेक कर लेना, देन उसके बाद आप फिर से अगर मैं कुक नहीं हुआ रहेगा तो कुक कर लेना। लेकिन ये भी बहुत एकदम बढ़िया। अब इसमें क्या है, ज़्यादा कुक करने का क्या फ़ायदा हुआ है मालूम है, इसका स्किन निकालना ही नहीं है ना, मेहनत करना ही नहीं है, अपने आप ये निकल जा रहा है। हुआ ना टेस्टी, आसान हुआ ना, ज़्यादा कुक करने का भी ये फ़ायदा है। देखो इस तरह से आप लोग भी कुकर में बढ़िया बेक करके खा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेन टेस्ट आता है ना, उसका ये जो जला वाला पार्ट रहता है ना, यही चूल्हे का टेस्ट होता है। तो कुछ वैसे ही सिमिलर सा मिल सकता है ना, ना एकदम एग्जैक्ट चूल्हे वाला, लेकिन वो बॉयल वाला तो नहीं खाना पड़ेगा ना। अगर हम इस तरह से कुकर में बॉयल कर लेंगे तो एकदम बढ़िया सोना सोना वाला भी फ्लेवर आएगा और ईजी का ईजी हो गया। ये स्वीट पोटैटो, ये शकरकंद बेक करने का आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।